हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी एजुकेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरह से बंगाल चल रहा था, बंगाल स्टेट जो फाउंड किया गया था, और कौन गवर्नर थे वहाँ पे, और कौन कौन राजा थे प्लस नवाब थे, प्लस जाके किस तरह से चला रहे थे बंगाल को। बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था बंगाल, और वहाँ पे सारे चीज़ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी है वो देखें। तो बहुत स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी वो लोग कहीं कहीं चुप गए। तो वो कहाँ कहाँ वो लोग चुप गए वो सारा चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टेक्स क्या था कि बंगाल के जो नवाब थे ना, वो शॉर्ट साइटेड थे और कुछ जगह में नेग्लिजेंसी वो लोग कर गए। तो कहाँ कहाँ वो नेग्लिजेंसी कर गए, देखिए पहली बात तो है वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना, वो लोग खाली ट्रेडर समझे थे। वो लोग देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा मिलिट्री उन लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग समझ में उन लोगों को नहीं आया था कि मिलिट्री जो इतने सारे सेना वो लोग ला रहे हैं जा रहे हैं, तो वो खाली ट्रेडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ और भी इन लोगों का मन में है, कुछ और भी मनसा इन लोगों के मन में है। तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। अगर वो लोग चाहते थे, अगर अली वर्दी खान चाहते, मुर्शिद कुली खान चाहते, स्पेशली अलीवर्दी खान चाहते, तो ये जो उन लोगों का मिलिट्री जो एक्सरसाइज वो लोग करते थे वो सब बंद कर सकते थे। उन लोगों का जो ग्रोथ हो रहा था मिलिट्री में वो बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको सोचा कि चलो ट्रेडिंग कंपनी है, क्या है वो, क्या कर सकते हैं ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे वो लोग चुप गए। और भी एक कारण था चुपने का, क्योंकि उस समय जो इंडिया था वह उस समय न्यूज़पेपर या फिर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं रहा, या फिर कोई जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई कनेक्टिविटी नहीं था। आज के ज़माने में भी जो है, आज हम लोग को कुछ भी वर्ल्ड में होता है मोबाइल के जरिए, हम लोग को टीवी अगर नहीं भी है, हम लोग अवेलेबल कहीं भी हो, हमको मोबाइल के थ्रू इंटरनेट के थ्रू पता चल जाता है एनी वेयर कि क्या हो रहा है, अगर कोई जानना चाहता है तो। तो उस समय तो दूर की बात है मोबाइल, उस समय न्यूज़पेपर तक भी नहीं आया था और इतना आना जाना नहीं था वेस्ट के साथ, ठीक है ना। तो और प्लस जाके उस तरह का नवाब्स भी नहीं थे कि चलो, या फिर कुछ रिफॉर्मर भी नहीं थे, पढ़ा लिखा उस समय उतना नहीं हुआ करता था, तो इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो कट ऑफ ही था। और तब जाके उन लोगों का अगर नहीं होता तो उन लोगों को पता चलता कि ये जो वेस्ट के जो ट्रेडर्स है वो लोग अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और लैटिन अमेरिका में क्या क्या तांडव मचाए हैं, तब वो लोग समझ जाते और वो लोग संभाल भी जाते। नाउ ये सारा चीज़ उन लोगों को पे करना पड़ा बहुत बुरी तरीके से। प्लस और एक चीज़ न था कि ये जो मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान है, उन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया वो सही है, एम्प्लॉयमेंट भी दिया सबको वो भी सही है, ठीक है, ट्रेडिंग भी किया ये सही है, लेकिन वो मिलिट्री का जो जगह है, मिलिट्री एक्सरसाइज में अब बढ़ाने में ये लोग चुक गए। ये वो लोग खाली अपना भंडार भरते रहे, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जो बाहर के बाहर आउटसाइडर्स लोग से, फॉरेनर्स लोग से अपना को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चाहिए मेन जो है मिलिट्री। आज इंडिया का क्या है, मिलिट्री बेस बहुत स्ट्रांग है। देखिए उस समय क्या था कि कोई अगर अटैक कर रहा है हमको बंगाल में, तो हम पड़ोसी से तो मदद मांग सकते हैं, तो वैसा नहीं था क्योंकि पड़ोसी ऑलरेडी मेरे ऊपर इन्वेड कर रहा, ठीक है। आज अगर कुछ भी होता है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हम लोगों का जो है वो कुछ जाएगा, कोई भी अगर वॉर अगर लगती है या फिर बाहर से कुछ प्रॉब्लम, देखिए जैसे पाकिस्तान से प्रॉब्लम हुआ तो फिर वहाँ पे एयर स्ट्राइक हो गया, तो ऐसा नहीं है। और अगर वॉर भी लगता है तो फिर जाके हर स्टेट में अलग अलग बैटालियन है, तो वहाँ के सारे लोग जाके एक जगह लड़ते हैं। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उन लोगों को करना चाहिए था, जब नादिर शाह का इन्वेशन हुआ था तो करना चाहिए था, टोटल इंडिया के जितने भी राजा रजवाड़ लोग थे अपना सारे सैनिकों को जाके वहाँ पे करना चाहिए था। सेकेंड टाइम उन्होंने किया था मराठा लोग को, लेकिन उन लोग उतना कैपेबल था ही नहीं, मुँह के बल गिर के फिर आ गए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हमेशा इंडियंस लोग का क्या था कि वो लोग खाने पीने और मौज मस्ती में लगाते थे, कुछ कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ चुक गए, मिलिट्री बेस है नहीं फॉरेन से लड़ने के लिए, उनके पास सोफिस्टिकेटेड न्यू टेक्नोलॉजिकल जो वेपन्स है वो है नहीं, तो अभी क्या कर सकते हैं। प्लस जाके देखिए मुर्शिद कुली खान के पास क्या था उस समय, 2000 कैवलरी था और 4000 इन्फेंट्री था, सोचिए। और फिर मुर्शिद कुली खान उड़ीसा भी दे चुके थे, और कुछ ये लोग जब मराठास लोग भी इन्वेड कर रहे थे, ऐसा ही था ना, हड़प लोग, सबका जमीन हड़प लो, इसी तरह का था टेंडेंसी था, हड़प के हम अपना बनाएंगे। तो ये क्या था, भाईचारे तो था नहीं वहाँ पे। मुर्शिद कुली खान ने
थक हार के वो उड़ीसा मराठा लोग को दे चुके थे कि चलो हम हमको शांति चाहिए, आप लोग लो बार बार ये अटैक कर रहे थे बंगाल के ऊपर उड़ीसा के लिए, तो वो मराठा लोग के देते, तो तभी तो संभलना चाहिए था, तभी तो सोचना चाहिए था, अरे भाई आज अंदर वाले घर वाले आके आपको हड़प रहे हैं तो कल तो बाहर वाले भी आके कर सकते हैं, और जब आप आग के सामने देख रहे हो कि मिलिट्री एक्सरसाइज इतना चल रहा है आपको तो समझना चाहिए था, तो वो चुक गए यहाँ पर। तो इसका खामिया जो है उसका उनके जो फ्यूचर जो नवाब हैं उनको भुगतना पड़ा। ठीक है, और देखते हैं प्लस जाके उनके वहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग, देखिए जो नवाब है जो मेन आदमी है ना, जो फाउंडर है, वो कभी करप्शन नहीं सिखाता है किसी को। नीचे के जो लोग हो जाते हैं, नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, कुछ अभी सब नहीं हम बोल रहे हैं, नॉट कुछ लोग जो है वो पूरा करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं। तो वही हुआ करप्शन अमंग ऑफिशियल्स, जुडिशरी में भी जुडिशियल जो देखते थे जुडिशरी वो भी करप्ट हो गए। ठीक है, काजी जो है वो भी करप्ट हो गए। ठीक है, मुफ्ती जो है वो भी करप्ट हो गए और ब्राइब्स लेने लगे। तो ये सारा चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा एकदम फाउंडेशन उन लोगों को बन गया कि चलो यहाँ पे अलीवर्दी खान के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिराजुद्दौला जब आते हैं, नवाब बनते हैं 1756 में और अलीवर्दी खान का डेथ हो जाता है। तो ये सारा ग्राउंड ये हम क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, ये फाउंडेशन बना दिया ब्रिटिशर्स लोग के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये फाउंडेशन बन गया कि ये लोग तो एक तो जब तक अलीवर्दी खान थे तब तक वो लोग इस तरह का आए नहीं, लेकिन ये बैक में छोटा छोटा जगह में जो चुके हैं उसके लिए फाउंडेशन तो बना। कोई बड़ा रूलर है नहीं, अगर रूलर है भी तो रूलर को तो हम इतना रूलर का जो पूरा काउंसिल है उसको तो हमने पूरा करप्शन में चल रहा है, करप्ट हो गया है, अब उसको और हम ब्राइब्स देंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, ये सारा दिमाग उन लोगों का चला और जाके सिराजुद्दौला के साथ जो फॉल प्ले उन्होंने गंदा गेम जो है वो खेला। गंदा गेम क्या, इन द सेंस कि वो मिर्जाफर एंड ऑल उनका जो मिनिस्टर्स थे सारे को वो अपने में कर लिए, कॉन्स्पिरेसी कर ली और उनको धोखे से मार दिया गया। तो ठीक है, तो बंगाल का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर्स था, ये दो लेक्चर्स। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सिराजुद्दौला स्टार्ट करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, एंड उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते जाएंगे, बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे, फिर जाके हम लोग थोड़ा अवध पढ़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग हैदराबाद को, कर्नाटक को तो पूरा तोड़ चुके, हैदराबाद को भी तोड़ चुके, अलग हो चुका, अभी बंगाल को तोड़ रहे हैं, बंगाल भी अपने कब्जे में हो जाएगा ब्रिटिशर्स लोग का, फिर जाके धीरे धीरे पूरा कंट्री को हड़प जाएंगे किस तरह से। सो यहाँ तक रखते हैं आज, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सारे लेक्चर्स टाइमली देख लेने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।